अखिलेश जी को वैसे तो हम यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट उनके लिए ये होगा कि हम आगे आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के पद पे बैठाएं। यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा और हमारी सभी कार्यकर्ताओं के लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये गिफ्ट होगा कि उन्हें हम आगे आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से हम उन्हें सीएम की कुर्सी पर विराजमान कराएँ। वही नेताजी के सपने अखिलेश जी लेके चल रहे हैं। लोहिया जी के सपनों को नेताजी ने लिया, नेताजी ने अखिलेश जी को दिया और अखिलेश जी ने पूरा किया। और उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे द्वारा से मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव जी। और जन जन में संदेश है, आज उनका जन्मदिन कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लोग, यहाँ तक कि विरोधी भी मना रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की और मैं सरकार बनाने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जी के लिए सबसे बड़ा तोहफा मैं माननीय मुख्यमंत्री बनाने की अपनी जी जान से मेहनत करूंगा। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संकल्प लेता हूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाऊंगा और मैं अपनी जी जान से मेहनत करूंगा। मैं अपने क्षेत्र में, अरे कन्नौज नहीं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता ये चाह रही है माननीय अखिलेश जी को 22 के लिए पूर्ण बहुमत में सत्ता में लाने के लिए माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं। मेरा कहना है बाबा जी को अभी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। 22 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और जनता ने और मैं सब लोगों ने आज माननीय अखिलेश जी के जन्मदिन पर संकल्प लिया है, इस बात का संकल्प लिया है कि 22 में सरकार बनाने का काम करेंगे। जन जन घर घर और माताओं बहनों से संपर्क करेंगे हम लोग।